मेरा नाम सालिया है, मेरी बच्ची हाजिरा है। वो बच्ची को मेरी फांसी दी देली बोले, मगर फांसी दी नहीं, फांसी दिए उन लोगों गलत काम करे, बच्ची के साथ पूरा निशाना है। 11 बजे सुबह पुलिस में पुलिस आई, आई रात में 1:30 बजे के बाद कब हुई बच्चे की नहीं मालूम है, फांसी कब ली क्या हुआ नहीं मालूम है। सुबह में 11 बजे पुलिस आई, 2 बजे हमारे को इतला दिया, बच्चे की अम्मी को इतला दिया, दो कौन बजे क्या वाक्य सुना रहे हैं आप? ये गुंडाल बाबा की गुंडाल बाबा की तरह कल जो हुआ सो है, कल जो हुआ सो जो। बच्ची 14 घंटे लटकी हुई थी बच्ची, हमारे को पुलिस अंदर भी जाने नहीं दी, उन लोगों के साथ ही पुलिस जाते गई, हमारे को जाने भी नहीं दी, लोगों को सपोर्ट करी पुलिस, एक बार भी हमारे बात भी नहीं करे पुलिस, बात भी नहीं करे, देखे भी नहीं हम लोगों के तरफ, हमारे को 11 बजे तक पुलिस स्टेशन मैडम को हम बोले तो सफिया मैडम बोले कोऑपरेट करते बोले, मर्दाना था बच्ची के साथ गैर गलत गैर गलत हरकत हरकत कैसा मान लो ऐसा कुछ हरकत हुई हम वो बच्ची को देखे तो पता गुसल दिए गुसल दिए तो कल से तो हमको नहीं बोले फांसी बोले, मेरे भाई भी यकीन करे अच्छी फैमिली से फांसी नहीं दिए होंगे, मगर आज बच्ची को गुसल देने मैं तैरी ना गसल के साथ, तो बच्ची की बॉडी पे हम बताए नहीं वैसे निशान है, सफिया मैडम को दिखाए गसल नहीं रही, हमारे बच्चियों की शादियां कैसा करना, तीन तीन बच्चियां हैं, ये हालत देख के कैसे शादी करना पड़ रही, एक महीने से बच्ची को बच्ची को बात नहीं करने दे रहे, इससे पहले भी बात नहीं करने दिया 2 महीने, दिसंबर की 21 तारीख को शादी हुई बच्ची की, बीच में 2 महीने बच्चा बात नहीं करने दिया, अब 1 महीने से बात नहीं, नवंबर की कैमरा कैमरा देखे हुए उसके हॉल में भी कैमरा था, आज नहीं है वो कैमरा, आज नहीं है कल नहीं है कैमरा, यहाँ तक मेरी छोटा बच्चा है 12-13 साल का, 1 महीना पहले एक महीना पहले भी 1 महीना पहले तो बच्ची बोली नहीं, बच्ची का फोन है मगर बच्ची बोली नंबर ब्लॉक पे डाल दिया, और बच्ची बोली मैं छोड़ देते बोले मम्मी, बच्ची बोली 1 महीना पहले मेरे को छोड़ देते बोले मम्मी, मैं नहीं बात करना चाह रही हूँ, मैं मेरे आदमी के साथ रहना चाह रही हूँ मम्मी, मेरी जिंदगी बुरी हो जाएंगी उन्हें छोड़ा तो, अगर वो इसी नौबत आएंगी तो मैं वो घर से मर के निकलूंगी, आप लोग इतना भरोसा रखो, बाहर है कहते सर, अब बच्ची की बातचीत होती उस दिन, नहीं नहीं उस दिन हाँ सुनाए थे मम्मी, मैं नहीं जाना चाह रही वो आदमी के साथ, नहीं जाना चाह रही बोल के, नहीं शोहर को क्या हुई बात नहीं मालूम हमारे, फोन में से सब डिलीट है, फोन में से सब डिलीट है, खाली बच्चे प्लीज बात करो प्लीज बात करो, कुछ बताना है बात करो बोल के, बच्ची जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, हाँ हंसी के साथ हंसी कैसे लेती, नहीं ले सकती मेरी बच्ची, निशान दिखने के बाद पीएस को गए हम लोग, तो उन्होंने वो रिपोर्ट आए तक इंतजार करो, तो हम रिपोर्ट आए थे नहीं, तो सफिया मैडम बोले हमारे को, मैं भी वहाँ से पीएस से लाते आप ये निशाना दिखाओ बोले, हमने फोन में दिखाए, हमने भी निशाना देखे, मैडम सफिया मैडम भी लिए और एक वो पुलिस वाले भी लिए वीडियो लिए, वो हमने बोले तो भगा दे रहे थे, नवंबर की 21 तारीख 11 दिसंबर 11 नवंबर में भी, नवंबर में नहीं, जब बीच में मेरे को सोना होना 2 तोले सोना नहीं दिए, 15-20 दिन के बाद ही बोले मेरे को सोना नहीं दिए वो नहीं दिए बोलता, मैं बोली पैसे वाला में जाना था, मेरे कन गरीब का नहीं कहीं को है, हस्बैंड नहीं है, कैसा कमा के कैसा देते, तुम बोलते थे वो भी चोरी करके किसकन से भी मांग के देती थी, बोली मैं सोना पूरा फर्नीचर थोड़े दिन के बाद से मुतालबे पहले से भी मुतालबे कर रहे थे, पहले नहीं अच्छे पैमाने से शादी होना, हम ऐसे पैमाने से शादी करते नहीं समझे थे, आप लोग रॉयल फैमिली से है, बच्चे हुआ तो बच्चा हुआ तो 5 तोले सोना डालना बोले, बच्चा हुआ तो 21 साल 22 अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग, बस इंसाफ चाह रहे हैं, हम इंसाफ सबसे इंसाफ होना मेरे को, बस इंसाफ होना, आज पुलिस वाले आज मेरी बच्ची गई कल किसकी भी बच्ची को करके लाकर ना जा सकते, आज पुलिस में गए तो हम ना होना चाहिए, आज पुलिस में गए तो पुलिस वाले बोले निकलो बाहर निकलो, बोलते हम मैं पूछी तनख्वाह के वास्ते है क्या हमारे वास्ते है बोल के पूछी, मैं निकलो बोल के हमारे झूठ के अंदर उनके शक है, हमको उनके ससुराल पे शक है, देवर पे शक है, ससुराल पूरे ड्रिंक करते हैं ससुराल भी, नहीं बच्ची कभी बोली थी देवर जेठ से कुछ परेशानी है, नहीं नहीं बच्ची बच्चे खुद बच्चा खुद ऐसा रखा था कमरे में कैमरा लगा था, और बच्चा कमरे में किसी को आना नहीं बोल रहा था, बच्ची को बगैर हिजाब के बाहर जाना नहीं बोल रहा, उनके खुद के इसके अंदर शोहर की कुछ गलती नहीं है, नहीं शोहर कौन है क्या है नहीं नाम भी ना बोल सकते, हम टॉर्चर कर रहे थे, नहीं शोहर टॉर्चर कर रहे थे, वाली साहब है
जनाना कोई भी घर में नहीं है, मर्दाना है, मर्दाने की जिम्मेदारी पे छोड़ दे के गए बच्ची की। और हमारे पास नहीं रखते, बोले नहीं रखते, बाबा को खाना देना रहता, बाबा को खाना देना रहता, बच्चे के बड़े भाई, बच्चे का छोटा भाई नहीं थी, नहीं थी, तो कैमरे लगा के रखा था, बच्चा खुद कैमरे लगा के रखा था। बच्ची का जब इंतकाल हुआ ना, तो रात में पूरी फैमिली एक दूसरे से बहुत 2 बजे रात तक लड़ लिए करते, और कल दिन में भी लड़ लिए पूरी फैमिली आपस में एक दूसरे से। बस्ती वाले पूरे गवाह हैं, मगर हम बोलना नहीं चाह रहे, फेस पे आना नहीं चाह रहे सब और बस्ती वाले। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोशल वर्कर सफिया माही, नारी निकेतन एसोसिएशन प्रेसिडेंट। हमारे को ये हबीबा दीदी कल फोन करे थे कि ऐसा उनकी बेटी, उनकी भांजी को फांसी पे लटका दिए और बॉडी नीचे नहीं उतारे, पुलिस वाले भी नहीं आए बोल के फोन करे थे। हम आए, आने तक पुलिस वाले आए और बॉडी को लेके चले गए, और इन लोग कल से ये चीज के लोग, कल इनको डेड बॉडी नहीं दिए, आज दिए इन लोग को डेड बॉडी देने के बाद, और कल इन लोग को देखने भी नहीं दिए, कहते कल इन लोग बच्ची का फेस भी नहीं देखे। आज ये लोग गुसल देते हैं, खुद देखे बच्ची के जिस्म पे निशाना थे, और यहाँ कब्रिस्तान में पूरे प्रोसेस पूरे हो जा रहे थे, लोग पीएस को जाके रोकने के बाद वहां से एक लेडीज कांस्टेबल और उनके पीएस से एक हेड कांस्टेबल दोनों आए। आने के बाद हम लोग देखे बच्ची के जिस्म पे कुछ निशाना थे, तो हम तेलंगाना कमिश्नर साहब और हुकूमत से हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये चीज की पूरी तहकीकात करिए। आज ये बच्ची के साथ हुआ, कल किसी और बच्ची के साथ होता, हुकूमत से हम मुतालबा कर रहे हैं कि निशाना देखने के बाद में आपको क्या लग रहा? हाँ, बच्ची के जिस्म पे कुछ जबरदस्ती के निशान, जी हाँ, कुछ ज्यादती हुई उनके जिस्म पे कुछ निशाना थे। ठीक, शुक्रिया।